लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हरमन बावेजा को तो आप सभी जानते ही होंगे, इन्हें ऋतिक का हमशक भी कहा जाता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि वो कहां गायब हो गए हैं और किस हाल में हैं? दरअसल हरमन बावेजा हाल ही में बांद्रा में एक रेस्तरां के बाहर स्पॉट किए गए। इस दौरान उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। मोटापे के कारण वे अपनी उम्र से डबल के दिखाई दे रहे थे। बता दें कि हरमन ने 9 साल पहले यानी 2008 में पापा हैरी बावेजा की फिल्म लव स्टोरी 2050 से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें उनकी हीरोइन प्रियंका चोपड़ा थी। एक रिपोर्ट के आधार पर एक खबर आई थी कि लव स्टोरी 2050 के सेट पर हरमन और प्रियंका का अफेयर शुरू हुआ था। दोनों करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे। प्रियंका और हरमन ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया, लेकिन उनकी लव स्टोरी नाकामयाब रही और दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि हरमन इसके बाद बिपाशा से कुछ दिन अफेयर रहा। फरवरी 2014 में हरमन ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वे बिपाशा के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालांकि उसी साल दिसंबर में बिपाशा ने ब्रेकअप का अनाउंसमेंट किया था। वैसे तो हरमन ने अपने करियर में मात्र 5 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी 5 फिल्में फ्लॉप रहीं। शायद यही वजह है कि हरमन ने बॉलीवुड से दूरी बना ली।